हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है हमारी सीरीज नंबर 8। तो जिनका भी MPNHM पेपर है, CHO पेपर है, तो अभी रिसेंट में MPNHM की डेट अनाउंस हो गई है, पंजाब CHO की डेट है, नागपुर में CHO का पेपर है, OSSC का पेपर है, पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर के लिए भी पेपर है। तो सभी एग्जाम पर्पज से यहाँ पर आपके लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, ऑलमोस्ट जिन्होंने भी आंसर दिया है आंसर सही दिया है। क्वेश्चन था, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है जो कब डिटेक्ट हुआ था, तो आंसर है इसका 1977 में लास्ट केस डिटेक्ट किया गया था। कहाँ पर हुआ था? सोमालिया में, जो कि लास्ट नोन नेचुरल केस था स्मॉल पॉक्स का, वो कहाँ पर था? सोमालिया में 1977 में। इंडिया की बात करें, यदि अब इंडिया की बात करें स्मॉल पॉक्स का, तो इंडिया में लास्ट केस था 24 मई 1975 को। पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को रेडिकेट कंसीडर किया था WHO ने 1980 में। रेडिकेशन कब कंसीडर किया जाता है? माना जाता है जब एटलीस्ट 3 ईयर तक कोई भी नॉन केस ना आया हो, उसके लिए फिर WHO आफ्टर दैट क्या करता है? रेडिकेट मानता है उस डिसीज़ को। तो पूरे विश्व से रेडिकेशन हुआ था 1980 में। लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का आया था 1977 में। यहाँ पर देखिए, लास्ट केस पूछें तो 1977 में पूरे वर्ल्ड से रेडिकेट हुआ था स्मॉल पॉक्स, कब? 1980 में। इंडिया से पूछें तो 1975 में। नेक्स्ट, और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ बेबी बॉर्न एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर हिज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन बी गिवन टू हिम। तो यहाँ पर एक बेबी CSC में डिलीवर हुआ है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में कौन सी वैक्सीन उसको दी जाएगी? DPT, BCG, MMR या फिर टाइफॉइड। तो फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड विटामिन के। ये चारों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको आता है मेनली एग्जाम में। एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएगी BCG। अब BCG यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ हम नहीं दे पाए किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पर 1 मंथ तक जो डोज रहेगा BCG का, वो होगा 0.05 ml। बट आफ्टर दैट यदि BCG हम देते हैं 1 महीने के बाद, बच्चे की एज 1 महीने से ज़्यादा है, 4 वीक के बाद, तो 0.1 ml। और BCG वैक्सीन हम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, इंट्राडर्मल रूट से ओनली यही वैक्सीन दी जाती है। और BCG वैक्सीन यदि हम 1 साल तक नहीं दे पाए बच्चे में, तो हम उसके बाद BCG वैक्सीन नहीं देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वॉट इज़ द इंस्ट्रूमेंट सोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, क्या है? कॉबलर निडल, ट्राइकॉट बायोप्सी निडल, एन्यूरिज्म निडल या फिर वायरस निडल। तो यहाँ पर इमेज देख के आप पहचानिए, क्योंकि NHM में आपको जो 80% नर्सिंग आना है सब्जेक्ट, उसमें आपको आ सकता है। तो ये कौन सी निडल है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये है एन्यूरिज्म निडल। क्या है? ये एन्यूरिज्म निडल। और जो यहाँ पर ट्राइकॉट बायोप्सी निडल है, ये रही यहाँ पर, तो ट्राइकॉट बायोप्सी निडल है जनरली, जो सिल्वरमैन रीनल बायोप्सी निडल के नाम से भी जानी जाती है, यदि आपको एग्ज़ाम में आए तो इस तरीके से। और यदि यहाँ पर ये वाली आती है जिसके लिए क्या कहा है, ब्लू पॉइंटेड कर्व्ड निडल है, जिसके यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट्स है, यहाँ पर इस जो कर्व है, इसके लिए यहाँ पर क्या कहा है, ब्लू पॉइंट कर्व्ड निडल विथ आई एट द पॉइंट। जो लिगेचर होते हैं एन्यूरिज्म में और वेसल्स में, उनको पास करने के लिए यूज़ की जाती है। जो ट्राइकोट बायोप्सी निडल है, किडनी रीनल बायोप्सी निडल है, तो यहाँ पर ये रही। वो एक और है यहाँ पर कॉबलर निडल ये रही यहाँ पर, जो कि देखने में लगती है एन्यूरिज्म निडल जैसी, बट है नहीं। फिर आते हैं वायरस निडल, जो कि स्प्रिंग लोडेड निडल है, न्यूमोपेरिटोनियम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जो न्यूमोपेरिटोनियम है उसको क्रिएट करने में यूज़ की जाती है, रही यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ग्राफ्ट सोन इन दिस फोटोग्राफ। तो यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग दिख रही है आपको, एक माउस दिख रहा है, एक ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। तो कौन से टाइप की ग्राफ्टिंग दिख रही है? आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस पहचानिए। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग में यदि ग्राफ्टिंग की जाती है माउस से, किससे? माउस से, या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरी स्पीसीज से,
कि जो इंसानी प्रजाति का नहीं है उससे यदि ग्राफ्टिंग की जाती है तो वो क्या कहलाता है, जीनोग्राफ्ट। यहाँ पर चार इमेज हैं। जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है टिशू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द रेसिपिएंट। डोनर और रेसिपिएंट दोनों अलग अलग प्रजाति के होना चाहिए, स्पीसीज अलग अलग होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं जीनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि अपनी ऑन बॉडी का कोई भी पार्ट है, अपनी ऑन बॉडी का कोई भी पार्ट है वही उसी की ग्राफ्टिंग करवाई जाना, वो क्या है, ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगेटिक ट्विंस। मान लीजिए जो बहन भाई है वो एक दूसरे में जो डोनर रेसिपिएंट बनते हैं वो कहलाएंगे आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होगा सेम स्पीसीज बट डिफरेंट मेंबर्स, आपके रिश्तेदार हो गए या फिर आप हो गए। यदि मैं अपना कोई भी ऑर्गन आपको डोनेट करती हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं लेकिन डोनेट करती हूँ तो क्या है, एलोग्राफ्टिंग। फिर आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब होगा स्पीसीज चेंज रहना ह्यूमन से एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग से, जो अदर देन ह्यूमन बीइंग के अलावा आप किसी को भी ग्राफ्टिंग करते हैं, आप लेते हैं तो क्या आएगा, वो कहलाएगा जीनोग्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर आप एक डिफॉर्मिटी देख रहे हैं, एक फिंगर आपको दिख रही है उठी उठी सी, वो क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर, बॉटनरी डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर कौन सी डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी दिख रही है वो क्या है, वर्टनरी डिफॉर्मिटी। कौन सी, वर्टनरी डिफॉर्मिटी। इट्स अ कंडीशन इन विच फिंगर इज फ्लेक्स्ड एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड हाइपर एक्सटेंडेड एट द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पर ये देखिए जो फिंगर है यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टनरी डिफॉर्मिटी है, जिसमें क्या है, फिंगर्स हैं जो कि फ्लैग्स हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के, यहाँ पर देखिए और हाइपर फ्लैग्स बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं कहाँ पर, इंटरफेरेंजियल जॉइंट के यहाँ पर। तो ये क्या है, यह बॉटनरी डिफॉर्मिटी। अब यहाँ पर है नेक स्वान डिफॉर्मिटी, तो यहाँ देखिए दोनों डिफरेंस देखिए, जो नेक स्वान डिफॉर्मिटी है इसमें एक्सटेंशन और जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है ये दोनों पूरी फिंगर्स में देखने को मिल रहा है। तो क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी इज अ बेंडिंग इन फ्लेक्शन ऑफ बेस ऑफ द फिंगर आई स्ट्रेटनिंग आउट ऑफ द मिडिल जॉइंट। यहाँ पर मिडिल जॉइंट उठे हुए रहेंगे लेकिन जो लोअर साइड फिंगर्स की क्या रहेगी, फ्लेक्स्ड रहेगी, बाकी अदर पार्ट क्या रहेंगे, एक्सटेंड रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है जनरली रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, आपको याद रखना है। लेकिन जो बॉटनरी डिफॉर्मिटी है, देखिए दोनों एक इमेज में दोनों चीज़ें भी समझ सकते हैं। बॉटनरी डिफॉर्मिटी में जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर देखिए कर्व टाइप से बन गई है, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो लास्ट पार्ट है वही बस है जो आपको झुका हुआ देखेगा। फिर आता है ट्रिगर फिंगर, जो ऑप्शन है यहाँ पर, ट्रिगर फिंगर इन अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजिशन एंड देन स्नैप्स स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये देखिए जो ट्रिगर फिंगर है, क्या है, ट्रिगर फिंगर है, इसमें क्या होगी, फिंगर्स आपकी एक ही सेम पोजिशन में बेंट हो जाएगी, देन इसको स्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा। मेलेट फिंगर इज एन इंजरी टू द थिन टेंडन दैट स्ट्रेंथन द एंड जॉइंट ऑफ फिंगर और थंब। मैलेट फिंगर का मतलब होता है कि जो टेंडन्स हैं जो फिंगर को क्या करेंगे, स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। डिफॉर्मिटी क्लियर हो गई हो, फर्स्ट इज बॉटनरी डिफॉर्मिटी, सेकंड वन इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी, थर्ड है यहाँ पर ट्रिगर फिंगर, फोर्थ है यहाँ पर मैलेट फिंगर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, ये देखिए हाथ यहाँ पर आप किस तरीके से हिलना डुलना जिसको कह सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेट करेंगे तभी, तो किस डिसीज के साइन हो सकते हैं, यूरेमिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स का मतलब होगा, ट्रिमर्स के लिए टर्म यदि एग्जाम में आता है तो क्या है, एस्ट्रैक्सिस। क्या है, एस्ट्रैक्सिस, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स में क्या होगा कि जो एक्सटेंशन है वो आउट स्ट्रेस्ड हो जाएगा और हाथ आपके खुले हुए रहेंगे इस तरीके से, तो इन सभी केस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये क्या है, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण भी ये हो सकता है, जिसमें पर्सन अनेबल टू होल्ड देयर हैंड बैग्स रिजल्टिंग इन अ फ्लैपिंग मोशन
कंसिस्टेंस विथ एस्ट्रैक्सिस। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स के लिए, वो क्या है, एस्ट्रैक्सिस। और यहाँ पर जनरली कुछ भी मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण भी देखने को मिलेगा, जैसे क्रोनिक किडनी फेलियर होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, या फिर डीकम्पनसेट लीवर फेलियर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, क्रोनिक रीनल फेलियर और यूरेमिक सिंड्रोम, तो इन सभी के कारण फ्लैपिंग हैंड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाती है तो इफेक्टिव कैसे होगी, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिमूव्स एंटीबॉडीज दैट इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, जो इम्पल्सेस नर्व इम्पल्स वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी एरर आने के कारण होगा कि जो कम्युनिकेशन है नर्व और मसल्स के बीच का वो इंटरप्ट रहेगा। तो यहाँ पर एक काम कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन, क्योंकि रिसेप्टर है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है तो ये क्या करेगी, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है क्या काम करेगी कि जो ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हो रही हैं उनके प्रोडक्शन को कम करेगी, क्योंकि यही ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज करने का काम कर रही हैं, जिससे जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपिक एजेंट हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं इनको कम करेंगे, और जब कम होंगी तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो कि क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, उसके बीच में क्या करेगा, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं कम होंगी तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर डैमेज भी नहीं होंगे, कम डैमेज होंगे, सिग्नल प्रॉपर जाएंगे, तो एक क्या माना जाएगा, ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हेल्प करेंगी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने में, जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यहाँ पर ये देखिए पैरालिसिस टाइप का एक क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जिसमें बोथ लेग और लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक है जो क्या रहेगा, वीक रहेगा, टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया और पैरापैरेसिस या फिर पैराप्लेजिया। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें दोनों पाँव और लोअर ट्रंक है जो अफेक्टेड होगा, वीक रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पैरापैरेसिया या फिर पैराप्लेजिया। ये देखिए पैराप्लेजिया में क्या होगा, आपका लोअर बॉडी पार्ट है जो अफेक्ट होगा, ट्रंक बिलो ट्रंक जो दोनों पाँव वो अफेक्ट होंगे। हेमीप्लेजिया में सिंगल साइड क्या है, सिंगल साइड जो मसल वीकनेस है वो पार्शियल पैरालिसिस है, वन साइड होगा बॉडी के, या तो एक साइड के आर्म्स लेग और फेसियल मसल्स को अफेक्ट करेगा, इमेज से इजीली समझ में आएगा। क्वाड्रीप्लेजिया में होगा चारों, क्वाड्री का मतलब होता है फोर, यहाँ पर क्वाड्री का मतलब है पूरी फुल बॉडी में लोअर और अपर ट्रंक दोनों अफेक्टेड होंगे। मोनोप्लेजिया में सिंगल हैंड हो सकता है, सिंगल लेग हो सकता है, तो ये किस में आएंगे, मोनोप्लेजिया में, मोनो का मतलब होता है सिंगल। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म इज, तो कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म क्या है, एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो क्या है, ग्लियोमा। क्या है ग्लियोमा, एक ट्यूमर टाइप जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा। तो ग्लियोमा बिगन्स कहाँ से होता है, जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ग्लू सपोर्टिव सेल्स और ग्लियल सेल्स होती हैं जो कि नर्व सेल्स के लिए फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूमर प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है ग्लियोमा। और जो 40% ब्रेन ट्यूमर होते हैं जनरली, तो 45% कौन से होते हैं, ग्लियोमा। नेक्स्ट वन इज फ्लेयल चेस्ट इज सीन इन, तो फ्लेयल चेस्ट किस में देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन में, कार्डियक फेलियर, रिप्स फ्रैक्चर और डायफ्राम हर्नियेशन में। तो फ्लेयल का मतलब होता है फ्लोटिंग टाइप से, तो फ्लोटिंग और फ्लेयल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी, रिप्स फ्रैक्चर में। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी ये आ सकता है कि फ्लेयल चेस्ट और फ्लोटिंग रिप्स हैं जो कब देखने को मिलेंगी, जब रिप्स फ्रैक्चर होगा,
रिप्स फ्रैक्चर होगा तब ये देखने को मिलेंगे। फ्लेयर चेस्ट एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें रिप्स के कुछ सिगमेंट हैं, रिप केज के ब्रेक होके ट्रॉमा के कारण क्या होंगे, चेस्ट वॉल से दूर होने लगेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, फ्लेयर चेस्ट। ये देखिए यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट में जो रिप्स हैं इस तरीके से टूट के क्या रहेंगी, अपोजिट साइड्स हैं जो फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया, फ्लेयर चेस्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, ऑक्युलर का मतलब होता है आईज, तो इंट्राऑक्युलर प्रेशर कितना होगा नॉर्मल, 12 to 21 mm of Hg, 5 to 10 mm of Hg, 23 to 30 mm of Hg या फिर 7 to 10 mm of Hg। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछा है, क्या है नॉर्मल पूछा है इंट्राऑक्युलर प्रेशर, तो कितना होता है 12 to 21 mm of Hg, क्या है 12 to 21 mm of Hg। अब यहाँ पर जब भी ये जो प्रेशर बढ़ता है इंट्राऑक्युलर प्रेशर, तो इसमें क्या होता है, आँखों में जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, तो मेनली होता है ग्लूकोमा, जिसके कारण जब ज़्यादा इंट्राऑक्युलर प्रेशर पड़ता है तो जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाई आईओपी की बात करें तो ग्लूकोमा में बढ़ेगा ये, और ग्लूकोमा में बढ़ने के बाद ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने का काम भी कर सकता है, और नॉर्मल होता है 12 to 21 mm of Hg, 12 to 21 mm of Hg। नेक्स्ट वन इज हॉर्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी इज, तो कौन से हॉर्मोन हैं जो कि किडनी सीक्रेट करती है लेकिन बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजेन। तो जो हार्मोन किडनी रिलीज करेगी, बीपी को कंट्रोल करेंगे, वो कौन से, वो एंजियोटेंसिनोजेन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, स्पेशली स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो कौन सा फीचर है जो कि लाइफ का फीचर नहीं है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस और ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, ये तीनों क्या है, फीचर ऑफ लाइफ है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। फीचर ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंट, ग्रोथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीथ, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, सेल को बनना, ऑफस्प्रिंग, पासिंग ट्रेड्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग, अपने जो भी जीन्स हैं अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों में ट्रांसफ़र करना, ये क्या है, सभी फीचर ऑफ लाइफ है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट ऑफन अकरिंग विथ वॉमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस इज रिफर्ड एज, तो यहाँ पर कहा है परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट, जिसके कारण आप क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, वेट लॉस भी होगा, एक साथ खा लेंगे फिर आप उसको इंड्यूस करके वॉमिट कर देंगे, तो ये क्या है, स्टूटरिंग, पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलमिया नर्वोसा। तो जो परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट लेकिन वॉमिटिंग होगी और वेट लॉस भी होगा, तो क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी यहाँ पर क्या हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हैं, और इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलमिया नर्वोसा का मतलब है सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय बिंजिंग फॉलोड बाय मेथड टू अवॉइड द वेट गेन। बुलमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में वॉमिटिंग करेंगे आप, वेट लॉस भी होगा, एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा भी ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें आप एक साथ इकट्ठा ठूस लेंगे एंड देन आप वेट को अवॉइड, वेट गेन को बढ़ने के लिए भी क्या करेंगे, कभी कभी खाना भी नहीं खाएंगे। पाइका का मतलब होगा नॉन ईटेबल सब्सटेंस का खाना, जो चीज़ें खाने लायक नहीं उनका खाना, मिट्टी खाना, कपड़े खाना, बर्तन चबाना, प्लास्टिक चबाना, ये सब क्या है, पाइका। क्रैबिंग एंड च्यूइंग सब्सटेंस दैट हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल स्प्रे, तो कौन सी वैक्सीन है जो कि नेजल स्प्रे से एडमिनिस्टर की जाती है, तो ऑप्शन है रोटा, ओपीवी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। तो रोटा वायर यहाँ पर नेजल रूट से दी जाती है, तो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओरल ओपीवी रोटा वायरस दी जाती है, इंट्रामस्कुलर में पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है न्यूमोकोकल, सबक्यूटेनियस में मीजल्स और येलो फीवर दी जाती है, इंट्राडर्मल में बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है, बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा या फिर बोथ ए एंड बी। तो वैक्सीन टू टाइप्स की होती हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। तो बेसिकली हम टाइप की बात करें तो
यहाँ पर लाइव वैक्सीन कौन सी है, तो वो है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, मीन्स बीसीजी और मीजल्स दोनों क्या है, लाइव वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन की लिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस, ये सब क्या है, लाइव वैक्सीन है। यहाँ पर अब आती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड और किल्स वैक्सीन में आता है साल का पोलियो, क्या है, साल, पोलियो, इन्फ्लुएंजा एंड यहाँ पर KFD, कैस्टूर फॉरेस्ट डिसीज। टॉक्साइड्स में आते हैं टिटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन इज पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो कल ही मैंने पोलियो पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मिनट में, जो सेकंड चैनल है शॉर्ट्स मेडिकल एंड नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल, वहाँ पर एक क्लास अपडेट की है, तो आप जाके देख लेना। पोलियो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्लास में मैंने ऐड कर दिए हैं 5 मिनट की क्लास में। पोलियो का ट्रांसमिशन मोड क्या है, ऑप्शन है फीकोरल, ड्रॉपलेट, सेंड फ्लाइज या फिर मॉस्क्यूटोवाइट। पोलियो कैसे ट्रांसमिट होता है, फीकोरल रूट से। पैरालाइटिक पोलियो ही है जो टाइप फर्स्ट पोलियो वायरस है। पैरालाइटिक पोलियो का जो कॉजेटिव एजेंट क्या है, टाइप फर्स्ट वायरस, और मेनली कितने एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, 6 मंथ to 3 ईयर के एज ग्रुप को। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सी डिसीज है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टिसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होगा स्नीजिंग, कफिंग के जो ड्रॉप्स उड़ेंगे उनसे होने वाली प्रॉब्लम। तो मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टिसिस तीनों है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं है। हेपेटाइटिस बी या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, नीडल प्रिक इंजरी से होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी से होगा, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। ड्रॉपलेट में आता है पर्टिसिस, मम्स, रुबेला, स्टेप्रोफेरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ऐसी डिसीज जो कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से हो सकती है। एयरबॉर्न का मतलब है यहाँ पर TB, चिकन पॉक्स, मीजल्स, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, एयरबॉर्न। नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वॉज मूटेड इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो गोल फॉर हेल्थ है ऑल बाय 2000 AD में आया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, लाया कब गया था, 1966 में, 1978 में, 1968 या फिर 1970 में। तो गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल 2000 है जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लाया गया था, ये लाया गया था 1978 में, जब PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सो प्राइमरी हेल्थ केयर भी लाया गया था उसी टाइम पर। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, DEC, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या फिर नन ऑफ दी अबव। लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, वो है डेप्सोन। नेक्स्ट वन इज मंडे मॉर्निंग फीवर इज अ कॉमन नेम फॉर। तो मंडे मॉर्निंग फीवर है जो कॉमन नेम किसके लिए, वायसेनोसिस, एप्स्टोसिस, बैगोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सभी कौन सी डिसीज हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड डिसीज, और जो मंडे फीवर है यहाँ पर कौन सा, वो वायसेनोसिस डिसीज। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो UTI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लेबिसेला, सिट्रोबैक्टर, इकोलाई या फिर प्रोटियस वल्गेरिस। तो जो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज है UTI का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो क्या है, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, रहता कहाँ पर है, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन इज वारफरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो वारफरिन टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट से, एसिटाइल सिस्टीन से, हेपेरिन से या फिर विटामिन के से। तो यदि वारफरिन ओवरडोज हो जाता है तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, विटामिन के से। वारफरिन और हेपेरिन के बीच का डिफरेंस कई बार बताया गया है, तो यहाँ पर एंटीडोट क्या है वारफरिन का, वो है फाइटोनियाडोन और विटामिन के। नेक्स्ट वन इज वॉट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड सेरुमेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल। तो एक्सटर्नल कैनाल से मीन्स जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर कैनाल है, वहाँ से हम सेरुमेन वैक्स को कैसे है जो बाहर निकाल सकते हैं, इरीगेशन से, सक्शन से, इंस्टिलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो हम कैसे कान में से जो सेरुमेन वैक्स जमा हो जाता है उसको निकाल सकते हैं, इरीगेशन के थ्रू।
किसके थ्रू? इरिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट, तो सभी यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी एक को छोड़कर, रेहनाइटिस, कोरिएजा, ब्रोंक्योलाइटिस या लैरिंजाइटिस। तो रेहनाइटिस, कोरिएजा और लैरिंजाइटिस तीनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंक्योलाइटिस नहीं है, क्योंकि ये ब्रोंकाई जो कि लोअर पार्ट में आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो किसको अफेक्ट करेंगे? ब्रोंकाई को। तो ब्रोंक्योलाइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कोरिएजा क्या है? कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, जो कि जनरली हे फीवर और कोल्ड के कारण होगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज, जब भी कोई इन्फेक्शियस डिसीज माँ से बच्चे को हो किस टाइप का ट्रांसमिशन कहलाएगा? ड्रॉपलेट, वहीकल बॉर्न, फॉमिट बॉर्न या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। फीटस में जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो किस टाइप का कहलाता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। कौन सा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। फॉमिट का मतलब है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करेंगे, मान लीजिए आपने कुछ भी कपड़े खरीदे, बर्तन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, तो इसमें यदि कोरोना का वायरस चिपक के आ जाता है आपके पास तो क्या कहलाएगा? फॉमिट। फॉमिट मीन्स ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच आर लाइकली टू कैरी द इन्फेक्शन सच एज क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर। व्हीकल बॉर्न का मतलब होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि फॉमिट भी हो सकते हैं या फिर किसी पर्सन को टच करने से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकते हैं, इनके बीच में क्या होगा? वेक्टर होगा या फिर फॉमिट रहेगा। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है? बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाईजेमिनल पल्स या फिर पल्स अल्ट्रेशन। तो यहाँ पर पल्स एबनॉर्मलिटीज रिदम और रेट को लेके 5 मिनट की क्लास आपको सेकंड चैनल पर करवा दी जाएगी, जिसमें पूरी पल्स की एबनॉर्मलिटी बता दी जाएंगी, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मलिटी में क्या होगा। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होता है वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स, कोरिजॉन्स पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? जो पल्स होगी कैसी होगी? फोर्सफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन एक टाइम पर आके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, देन अगेन वही पैटर्न में चलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायलेट द पीपल्स, तो पीपल्स को डायलेट करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में ली जाएगी? मायोटिक्स, माइड्रियाटिक्स, केराटोलाइटिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए जो मेडिसिन ली जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी माइड्रियाटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन, या तो गैस गैंग्रीन की इमेज आ सकती है, पूछा जाएगा कि ये किसके कारण हुआ है, क्या कॉज है इसका, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं गैस गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन में पैरामिक्सोवायरस, क्लोरिस्टिडियम, परफ्रिंगेंस बोथ और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। तो गैस गैंग्रीन का जो कॉज है वो क्या है? क्लोरिस्टिडियम परफिंग्स नाम का बैक्टीरिया। क्या है? क्लोरिस्टिडियम परफिंग्स नाम का बैक्टीरिया। यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको ये चीज़ क्या है, तो एक इसकी है, यह है गैस गैंग्रीन की। क्या है? गैस गैंग्रीन। कॉज क्या है इसका? क्लोरिस्टिडियम परफिंगेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर वेलफेलिक्स टेस्ट डन टू डायग्नोज, तो वेलफेलिक्स टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है? टाइफॉइड फीवर, टाइफस फीवर, डेंगू या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो वेलफेलिक्स किया जाता है टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए? टाइफस को डायग्नोज करने के लिए। वेलफेलिक्स एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जो कि एंटी रिक्टीसिया, क्या है? एंटी रिक्टीसिया के लिए चेक करने के लिए किए जाएंगे। और जो टाइफस है यहाँ पर एक बैक्टीरिया के थ्रू होगा, वो क्या है? रिक्टीसिया प्रोवोज़ेकी, एग्जाम में आता है टाइफस का कॉज, टाइफाइड नहीं है, टाइफस है, टाइफस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? रिक्टीसिया प्रोवोज़ेकी, जो कि यहाँ पर जो टेस्ट यूज़ किया जाएगा वो किसके लिए होगा? जब रिक्टीसिया जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में उसको डायग्नोज करने के लिए, तो इसीलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया? वेलफेलिक्स टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ऑर्गन ऑफ एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो इनमें से बैक्टीरिया का ऑर्गन कौन सा है जो चिपकने में, एडहेशन में हेल्प करेगा उसकी? कैप्सूल, फिम्ब्री, फ्लैजिला या फिर साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया में एक ऑर्गन होता है जो दूसरे ऑर्गन में चिपकने में हेल्प करेगा, तो वो क्या है यहाँ पर? वो फिम्ब्री, इसको हम पिलाई भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट सेफ्ड बैक्टीरिया, तो इनमें से बुलेट सेफ्ड बैक्टीरिया कौन सा है, हर्पीस जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस और HIV वायरस। तो बुलेट सेफ्ड बैक्टीरिया कौन सा है, रेबीज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन, तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है, आपको बताना है कि ये किसका है, मिशन इंद्रधनुष का, कंगारू मदर केयर का, RCH का या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का। तो ये जो यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, एक हाफ सर्किल में एक बेबी लेटा हुआ दिख रहा है, किसका सिंबल है, ये है यहाँ पर INAP, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, स्टिल बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए, स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, कि 2030 तक हम स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ के लिए क्या करना है, एंड करना है। तो ये प्रोग्राम लाया गया था 2014 में, जिसमें हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट और स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट वन इज नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, 14 सितंबर को, 12 नवंबर को या फिर 14 दिसंबर को। यदि नेशनल पूछते हैं तो हम मनाते हैं बाल दिवस, जिसको हम कहते हैं, कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन था। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल पूछें, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पूछें, तो 20 नवंबर को, दोनों आपको डिफरेंस याद रखना है। 14 नवंबर इंडिया में बस मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 20 नवंबर को। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 2022 में ही। तो ये किसका सिंबल है, ICDS का, IMNCI का, मिशन इंद्रधनुष का या फिर रेड क्रॉस का। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975 में आई थी और उसी का सिंबल है। ICDS में से आपको एग्जाम में चार चार क्वेश्चन तक आते हैं, आपको पूरे याद रखना है। इसमें बेनिफिशियर्स कौन कौन से हैं, चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स ग्रुप एज के, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो कि 15 से 44 साल, और एडोलेसेंट गर्ल्स कुछ सिलेक्टेड ब्लॉक्स के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द मां प्रोग्राम लॉन्च्ड, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 5 अगस्त 2016, 10 अगस्त 2016, 5 अगस्त 2018 या फिर 5 जुलाई 2016 को। तो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था कब, 5 अगस्त 2016 को, कब हुआ था लॉन्च, 5 अगस्त 2016 को। एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है, फुल फॉर्म आ सकता है, लॉन्चिंग डेट आ सकती है, और क्यों लाया गया था, तो प्रमोशन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम लाया गया था, कि मदर को 86 मंथ तक अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके लिए प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इनिशिएट द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया, तो इंडिया का कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएटिव अपनाया था 1962 से 1963 में, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ यहाँ पर साउथ के ही डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हुई थी, और ये कब हुई थी, कौन सा स्टेट था इंडिया का ऐसा पहला स्टेट, तो वो था तमिलनाडु। मिड डे मील प्रोग्राम 1962 से 1963 में आया था, मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 में, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ पर यदि मिड डे मील प्रोग्राम के तहत आपको कैलोरीज की बात करें, तो टोटल जो फर्स्ट टू 50 क्लास तक के बच्चे हैं उनमें 450 कैलोरी, और प्रोटीन पूछें तो 12 कैलोरी, अपर क्लास में 6th क्लास से 8th क्लास तक में पूछें तो 700 कैलोरीज है जो प्रोवाइड करवाई जाती है मध्यान्ह भोजन योजना के तहत। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो नेशनल फैमिली प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था, 1962 में, 1952 में, 1992 में या फिर 1972 में, 1962, 52, 92 और 72 में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग के लिए ही लाए गए थे। लेकिन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछे तो 1952, 1952, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977,
मिशन परिवार विकास पूछे तो 2016 में हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोग्राम लाया गया था, जिससे हम क्या कर सकें, 2025 तक टारगेट रखा गया था मिशन परिवार विकास का कि 2.1 तक हमें क्या लेके आना है, फर्टिलिटी रेट को लेके आना है। तो यहाँ पर आई होप तीनों क्लियर हैं आपके। 1952 में आया था यहाँ पर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1977 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मिशन परिवार विकास 2016 में लॉन्च किया गया था जितने भी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वाज नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव शुड बी, तो ऑटोक्लेव से क्वेश्चन एग्जाम में आपको हमेशा आते हैं, या तो टेम्परेचर पूछेंगे या फिर बेस्ट मेथड कौन सी स्टरलाइजेशन के लिए। तो यदि यहाँ पर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर पूछते हैं तो कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 20 minutes, कितना, 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 20 minute तक ऑटोक्लेव का टेम्परेचर रखा जाता है। और ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, आप क्या मटेरियल स्टरलाइज कर रहे हैं। बेस्ट मेथड स्टरलाइजेशन की ऑटोक्लेविंग। और यहाँ पर यदि कुछ भी लिक्विड गिर गया है, ब्लड स्प्लिज हो गया है, तो बेस्ट मेथड क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटराल्डिहाइड, जितने भी जो भी ट्यूब्स रहेंगे उनको स्टरलाइज करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एच आई वी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अक्कर व्हेन CD40 सेल्स काउंट फॉल्स बिलो, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एच आई वी पेशेंट में, क्यों, इनकी जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तब CD40 सेल्स काउंट कितने से कम होगा कि एच आई वी पेशेंट पॉजिटिव है, 400 cubic per mm, 200 cubic per mm, 700 cubic per mm, और none of the above। जब भी CD40 सेल्स काउंट लेस देन 200 cubic per mm से कम हो जाए, दैट मीन्स पर्सन क्या है, एच आई वी पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत योजना लॉन्च इन, तो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी, सितंबर 2020 में, अगस्त 2018, सितंबर 2017 या सितंबर 2018 में। तो आयुष्मान भारत योजना से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2018 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ फ्लूड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज, स्किन से पर डे कितना फ्लूड लॉस होता है, 450 ml, 150 ml, 1500 ml और 500 ml। तो स्किन से, किडनी से, एक्सक्रीटा फीकल मटेरियल से अलग अलग है जो फ्लूड लॉस होता है, तो स्किन से पूछते हैं तो 450 ml और हाफ लीटर भी हम कह सकते हैं, किडनी से 1.5 liter 1500 ml, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 liter, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 0.2 liter। तो टोटल मिला के यदि फूड की बात करें डेली वाटर की तो 2.6 liter। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी प्लेटलेट्स इज अ प्रोड्रग, तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग कौन सी है, एस्प्रिन, डाई प्राडिमोल, टिक्लोपिडिन या फिर एम्बिक्सिमैब। तो यहाँ पर एम्बिक्सिमैब और कौन सी मेडिसिन है जो कि प्रोड्रग है, एंटी प्लेटलेट की जो प्रोड्रग है, तो वो यहाँ पर ट्राइक्लोपिडिन, कौन सी है, ट्राइक्लोपिडिन, जो कि थ्रॉम्बोटिक स्ट्रोक्स को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, और किस नाम से मिलती है मार्केट में, टिकलिन, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि थायनोपायरिडीन फैमिली से बिलोंग करती है, ADP रिसेप्टर इनहिबिटर पर काम करेगी। तो यहाँ पर यदि प्रोड्रग पूछे एंटी प्लेटलेट की तो क्या है, टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन, तो अर्गोमेट्रिन किसके लिए यूज़ किया जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के लिए। अर्गोमेट्रिन यूज़ किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए, किसके लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछते हैं कि अर्गोमेट्रिन को किस केस में हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट, मान लीजिए यदि PPH ही डेवलप हो रहा है किसी लेडी में, तो हम उसको अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे, जब उसको एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया भी हो साथ में तब। नेक्स्ट वन इज
मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग, मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में कॉन्स्टेंट हो जाता है, दैट मीन्स स्टॉप हो जाता है, ना वो बढ़ेगा ज़्यादा ना घटेगा। ऑप्शन में 0 to 6 months, 1 to 5 years, 5 to 10 years और 10 to 15 years। मिड आर्म सर्कमफेरेंस कॉन्स्टेंट मतलब एक जगह स्टॉप हो जाता है 1 से 5 साल की एज में। कब? 1 से 5 साल की एज में। यदि यहाँ पर नॉर्मल की बात करें तो मोर देन 13.5 क्या है, नॉर्मल है, जिसमें ग्रीन स्केल आएगी। बिलो 13 जाएगा तो क्या होगा, येलो कलर पे आ जाएगा। एंड देन जब 11.5 से जाएगा तो बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आएगा। वो जो MUAC स्केल है किस रेंज में आ जाएगा, रेड में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड एंड एवरेज डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज़। तो ब्लड और एवरेज डिस्चार्ज होने यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी क्या कहलाएगा, पायूरिया, लोचिया, हेमेच्यूरिया, फिर कोलेस्ट्रम। ब्लड और एवरेज डिस्चार्ज होना आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्रस से क्या कहलाएगा, कहलाएगा लोचिया। तीन टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। रूब्रा इनिशियल डे में रिलीज होगा, सेरोसा 3 to 10 days में, और लोचिया अल्बा 10 to 14 days में। नेक्स्ट वन इज Which of the following response is expected in a mother when the baby is sucking the breast? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स है जो देखने को मिलेगा जब बेबी मदर के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट को सक कर रहा हो। तब इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। और आज ही हम इवनिंग में GK की क्लास भी करेंगे जो कि 10 से 15 मिनट की रहेगी आपकी, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK GS पढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सेकंड चैनल है उस पर भी आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज पॉइंट्स हैं जो बताते जा रही हूँ, जिसमें आपके 5 मिनट में एटलीस्ट सिंगल लाइनर 10 से 15 क्वेश्चन एक टॉपिक के कवर हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए वो लोग ऐप को डाउनलोड करें, मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से है। और जिनको भी पेपर्स की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन जो है अवेलेबल प्ले स्टोर में उससे भी आप पेपर्स को परचेस कर सकते हैं।